स्टूडेंट्स, आई एम अंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए, कल हमने आप लोगों को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, जिसमें आप लोगों ने अलग अलग तरीके के ऑर्गन पढ़े थे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं और हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब आप लोगों को रेस्पिरेशन की स्टेज पढ़नी है कि किन दो स्टेप्स में हमारा रेस्पिरेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो बेसिकली हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। नाम से ही लग रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाह्य, मतलब बाहर, और रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, तो बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। अब देखिए, दो स्टेप्स में हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, तो इन दोनों स्टेप को समझिए। सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, बाह्य श्वसन में क्या होता है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज। ब्रीथिंग, जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से गैस को अपने बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, तो वो प्रोसेस जो होती है वो ब्रीथिंग कहलाती है। तो सबसे पहले सांस लेने के, रेस्पिरेशन की शुरुआत करने के लिए आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से गैस को इनटेक करेंगे, तो वही इनटेक ऑफ गैस जो है वही प्रोसेस आपकी ब्रीथिंग कहलाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीथिंग करेंगे, उसके बाद फिर गैसियस एक्सचेंज करेंगे, शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बाहर निकाल देंगे। तो आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, तो ये दोनों मिलके आपका क्या बना लेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बना लेंगे। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रोसेस इन्हीं दो स्टेप में कंप्लीट होती है, ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज में। अब उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन, अब आपकी ऑक्सीजन शरीर के अंदर जा चुकी है, जाने के बाद वो ब्लड में मिलेगी, ब्लड में आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करने के बाद एनर्जी बनाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सीट करेगी। तो ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कोशिका के अंदर होती है। जो कोशिका के बाहर होगी, सेल के बाहर होगी, वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो अंदर होगी वो इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इस तरह आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब अगला देखिए टॉपिक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब गैस का आदान प्रदान तो होता है पौधों में, वो कैसे होता है, सबको पता है कि प्लांट्स में पत्तियां होती हैं और उनमें जो स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे, उससे प्लांट्स मोस्टली गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए, इन लीव्स, सबको पता है कि मोस्टली 90% गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो प्लांट में लीव्स के थ्रू होता है, और लीव्स में किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा जो होता है, ये पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, जिनके ज़रिए बाहर की गैसेज अंदर आती हैं और अंदर की वेस्ट गैसें बाहर जाती हैं। तो इस तरह प्लांट का 95% गैसियस एक्सचेंज होता है वो लीव्स के थ्रू होता है। इसके अलावा लीव्स हमारी फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है, एक्सीरीशन में भी हेल्प करती है, और इसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करती है। तो लीव जो है वो आपके प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो जिसको हम लोग कॉमनली किचन ऑफ द सेल भी, किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, जहाँ पे खाना भी बनता है, एक्सीरीशन भी होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है, और बहुत सारी प्रोसेस लीव्स में होती हैं। देखिए, आपको सबको पता है कि डे टाइम और नाइट टाइम में अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रोसेस लीव में होती रहती हैं। जब दोपहर का टाइम होता है, डे टाइम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेट होती है, बाहर निकलती है, फोटोसिंथेसिस भी होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। लेकिन रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि दिन के समय फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होता है, लेकिन रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, रेस्पिरेशन आपका 24/7 चलता रहता है। तो इस तरह ये आपकी लीफ का पार्ट हो गया, लीफ आपकी प्लांट का मेन गैसियस एक्सचेंज का पार्ट है। अब उसके बाद अगला पार्ट है इन रूट्स। पौधों में वैसे तो रूट्स का काम होता है मिट्टी से पानी और बाकी मिनरल्स को चढ़ाना, लेकिन डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू कुछ मात्रा में गैस भी प्लांट्स में रूट के थ्रू बॉडी अंदर जाती हैं। तो जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है, इसके थ्रू रूट्स जो हैं वो मिट्टी में घुली हुई ऑक्सीजन और बाकी गैसेस को अंदर इनटेक करती हैं। तो रूट्स भी कुछ मात्रा में गैस को इनटेक करने में हेल्प करती है। इसके बाद अगला पार्ट है इन स्टेम्स। अब देखिए, स्टेम आप लोग को लग रहा होगा तने से कैसे सांस लेता होगा पेड़, तो तने से मोस्टली बहुत कम 1% ही सांस लेता है। और आप लोगों ने देखा होगा, तने में जो लकड़ी होती है उसमें देखिए छोटी छोटी दरारें होती हैं, चिटका होता है, तो वो जो जगह होती है स्टेम में, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको हम लोग लेंटिसेल्स कहते हैं। और इन्हीं लेंटिसेल्स के थ्रू तना जो होता है वो इंटरनल गैस को बाहर करता है और गैसियस एक्सचेंज करता रहता है। तो इस तरह कुछ मात्रा में रूट और स्टेम से भी गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में होता है, लेकिन मेन जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो लीव से ही होता है। तो ये आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया।
अब आप लोग को इसको कंप्लीट करना है। अगले टॉपिक में हम आपको एक्सचेंज गैसेस इन एनिमल पढ़ाएंगे। अभी आप लोगों ने पढ़ा प्लांट्स में, अब अगले टॉपिक में हम आप लोगों को गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स पढ़ाएंगे। तो इतना कंप्लीट करके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।